तो अभी हम बात करते हैं हमारा फोर्थ मेन टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के आगे टू सब टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले फोर्थ मेन टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ब्लड एक मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अबाउट 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय RBCs, मतलब रेड ब्लड सेल जो होते हैं ब्लड में उसके थ्रू, और जो रिमेनिंग 3% बचती है वो ऑक्सीजन कैरीड की जाती है डिसॉल्व स्टेट में थ्रू अ प्लाज्मा। देन नेक्स्ट नियरली जो है 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड सेल से, वेयर एज जबकि 70% जो है वो कैरी की जाती है एज ए बायकार्बोनेट, और लगभग 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरी की जाती है इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू अ प्लाज्मा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसके आगे सब टॉपिक्स हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है कि 3% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा, और 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मतलब HbO2। HP+O2 क्या है? HP और O2 एसोसिएशन और डिसोसिएशन करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं। डिसोसिएशन में क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज होता है, और पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, पीएच कम होती है। अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, पीएच इंक्रीज होती है ना, तो ऐसा होता है। तो हमने देखा क्या मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, कि 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में, और 97% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ किसमें, ऑक्सीहीमोग्लोबिन में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ इन रिवर्सिबल मैनर में, और क्या बनाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, और बाइंड होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल विद हीमोग्लोबिन जो प्राइमरी रिलेटेड ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और अदर फैक्टर के साथ। अदर फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं? 1,2-diphosphoglycerin आ जाता है अदर फैक्टर, जो बाय प्रोडक्ट है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान रेड ब्लड सेल की ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, उसके दौरान जो है बनता है। उसके बाद ये सब करने के बाद हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलती है, सिग्मोइड कर्व जो है मिलती है, जहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, और ये प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल ऑक्सीजन। और इस कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो हाईली यूजफुल होती है इसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, जैसे कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, ऑन बिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, है ना, ये सब के लिए। एल्वोलाई में क्या होता है कि एल्वोलाई जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, और पीएच जो है वो ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी कम होता है। ये सभी फेवरेबल कंडीशंस है क्या करने के लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनाने के लिए इन एल्वोलाई में ये फेवरेबल कंडीशंस है। बट अगर हम बात करें टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ में फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, ऑक्सीजन से क्या बनाने के लिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, पार्शियल ऑक्सीजन जो है वो कम होनी चाहिए, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और पीएच कम होना चाहिए, मतलब एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सर्विस और गेट डिसोशिएट एट द टिश्यूज। इससे हमें अच्छे से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो बाउंड होती है हीमोग्लोबिन में इन द लंग सर्फेस,
ऑक्सीजन बाउंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ लंग सरफेस पे और डिसोशिएट होती है कहाँ पे, टिश्यूज में. एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे, एट द एल्वोलाई लेवल, और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल. तो यहाँ पे ये सारा आपको पता चल गया है हीमोग्लोबिन के बारे में, है ना. उसके बाद थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि एवरी हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिलीवर होता है अराउंड, कैन डिलीवर कर सकते हैं अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है 15 grams ऑफ हीमोग्लोबिन, और 1 gram ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, और 15 gram ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को कैरी करेगा. तो यहाँ पे हमने फोर्थ मेन टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के आगे ओनली फर्स्ट सब टॉपिक की बात की है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन.